हाँ जी दोस्तों, जय श्री राम। आज एक वीडियो बना रहा हूँ काफ़ी दिनों बाद। हमारे पास एक केस आया था, एक आंटी हैं बलवीर कौर जी, उनके लातों की ना हालत बहुत ख़राब है। तो पहले मैं आपको उनकी फ़ोटोज़ दिखाता हूँ, और इसी में उनका आधार कार्ड और एड्रेस भी है। उसके बाद की बाकी बात बाद में करते हैं। हाँ जी, तो आपने ये फ़ोटोज़ देख ली होंगी इनकी। तो इनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन है, और जतिन भाई ब्राह्मण फाउंडेशन वाले और नीरज शर्मा भाई, ये दोनों ने जो है उनका केस देख रहे हैं और इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो हमारे पास जब इनके बारे में बात करी थी उन्होंने, वो हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, तो हमारे ग्रुप ने इकट्ठा करके 10,000 रुपये इनको दिया है, आंटी को, जो हमने नीरज शर्मा भाई के अकाउंट में दिया था, और वो उन्होंने आगे जो इनको पहुँचा दिया है। तो ये इनका अभी PGI से इलाज चल रहा है, लुधियाना के हैं ये, शिमलापुरी के, और इनका एड्रेस भी हम आपको दे देंगे। तो प्लीज़, मैं चाहता हूँ कि एक रिक्वेस्ट है मेरी, भाई मेरी कोई डिमांड नहीं है किसी से, रिक्वेस्ट है कि जो भी इन आंटी की हेल्प कर सकता है वो करे। इनका एड्रेस भी हम आपको दे देंगे इसी वीडियो के साथ फ़ोटोज़ में, या जो भी ब्राह्मण फाउंडेशन वालों को जानते हैं, जतिन शर्मा भाई को या उनके कॉन्टैक्ट में है, या नीरज शर्मा भाई को जानते हैं, वो उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं इनकी हेल्प करने के लिए, या जो हमें जानते हैं, हमारे ग्रुप को जानते हैं, जो हमारे थ्रू करना चाहते हैं या हमारे ग्रुप को जानते हैं, तो वो हमें भी, हमारे अकाउंट में भी कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास जो आएगा इनके नाम पे, वो हम आंटी जी को पहुँचा देंगे, ठीक है। और इनकी आंटी जी की बैंक डिटेल्स भी जिसको चाहिए वो इस वीडियो के नीचे मैसेज कर सकता है, हम आंटी जी की सीधा डायरेक्ट बैंक डिटेल भी आपको दे देंगे, ताकि जो सीधे ही उनको भी पहुंचाना चाहता है, उनकी हेल्प करना चाहता है, तो वो कर सकता है। प्लीज़ इनकी सपोर्ट करिए, इनका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है। और जो हमें जतिन शर्मा भाई ने बताया वो ये है कि डॉक्टर ने बोला कि डेथ केस भी हो सकता है। तो प्लीज़ यार, ऐसे किसी को देख के अनदेखा ना करो, अगर आप हेल्प कर सकते हो ज़रूर करो। जय हिंद, जय श्री राम। दोस्तों, इस वीडियो के एंड में मैं उनकी भी डिटेल शेयर कर दूँगा, जिन्होंने आंटी जी की वीडियो जो फ़ोटोज़ जो हैं इलाज के बाद जो उनकी हैं सिचुएशन, मैं उसकी फ़ोटोज़ अटैच कर दूँगा ताकि आप देख लो। और जिन्होंने पैसे दिए हैं आंटी जी के इलाज के लिए या हमारे ग्रुप में, मैं उनके नाम बता रहा हूँ आपको। नरेश शर्मा जी ने दिए हैं 201, पंकज भाई हैं, उनका नंबर किसी और कंट्री का है, उन्होंने दिए 500, और पुनीत शर्मा जी ने दिए हैं 500, नसीब काजल भाई जी ने दिए हैं 300। ये जो हमारे ग्रुप के पास पैसा आया था, मैं वो उसकी बात बता रहा हूँ। बाकी जो हमने इनको पैसे दिए हैं, टोटल हमने इनको 10,000 रुपये दिए हैं, और वो पैसा जो हमारे ग्रुप में पहले था उसमें से वो पैसा हमने उनको दिया है, इंक्लूडिंग ये मनी जो आई है, इसको इंक्लूड करके हमने उनको 10,000 रुपये दिया है, ठीक है। तो मैं आंटी जी की फ़ोटोज़ भी इस वीडियो के साथ अटैच कर लूँगा, और प्लीज़ और भी कोई हेल्प कर सकता है आंटी की, ज़रूर करना। और ये जो हैं ब्राह्मण फाउंडेशन वाले जतिन शर्मा भाई, इनके साथ टच में रहना जो आंटी की हेल्प करना चाहता है, और उनकी डिटेल्स हम आंटी की डिटेल आपके साथ सीधा शेयर कर देंगे, आप सीधा आंटी के घर जाकर उनकी हेल्प कर सकते हो। थैंक यू जी, जय हिंद, जय श्री राम। और इस वीडियो के साथ ही मैं वो आंटी जी की फ़ोटोज़ अभी मैं अटैच कर देता हूँ, इलाज के बाद उनकी क्या सिचुएशन है। थैंक यू, जय हिंद, जय श्री राम।